हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं गोलगप्पे। इसके लिए हमने सबसे पहले 2 कप गुपचुप बनाने का आटा, 1 कप सूजी लिया है और इसे हम इस तरह सानेंगे जैसे कि हम लोग रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथते हैं ना, उसे थोड़ा सा कड़ा गूंथना है ताकि पूड़ियां बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और हमने इसमें सूजी इसलिए मिक्स किया है ताकि पूड़ियां अच्छी तरीके से और कुरकुरी बने। देखिए, उसके बाद हमने इसे पहले 4 घंटे पहले ही इसे गूंथ कर रख दिया था और एक गीले कपड़े से ढक कर रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से आटा ये फूल जाए। अब हम इसे थोड़ी तरीके से सान कर फिर उसकी पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट कर। हेलो दोस्तों, फिर उसकी हमने देखिए छोटी छोटी लोइयाँ बना रखी है और इसकी फिर पूड़ियाँ बेलना स्टार्ट करेंगे कुछ इस तरह। देखिए, पूड़ियाँ ज़्यादा पतली नहीं, ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, बस इस तरह। फिर हम एक गीला कपड़ा ले लेंगे और देखिए इसी में ये पूड़ियाँ बेल भर कर रखते जाएंगे। पूड़ियों को बिल्कुल हल्के हाथों से बेले ताकि यह हर साइज, इसकी कोई भी भाग मोटा या पतला ना रहे, सब कुछ सेम साइज का होना चाहिए, बिल्कुल आराम से। देखिए, हमने पूड़ियाँ बेल ली है, अब इसे छाइए, अब ये छानने के लिए तैयार है। चलिए अब इसे छाना जाए। देखिए, हमने गैस को ऑन रखा है, इसे तेज आंच पर रखा है और इसमें रिफाइंड डाला है। इसे गर्म होने देते फिर इसकी पूड़ियाँ छानना हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, तेल को पूरी आंच पर रखे हैं, अब हम इसमें पूड़ियाँ तलना स्टार्ट करेंगे। तेल पूरी तरह गर्म हो चुका है। फिर आंच को देखिए हम कम कर देंगे कुछ देर बाद, फूलने के बाद, ताकि पूड़ियाँ अच्छी तरीके से पक जाए। देखिए दोस्तों, हमारी पूड़ियाँ पूरी तरह फूल चुकी है। अभी इसे अच्छी तरह ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन। देखिए, अब ये अच्छी तरीके से पक चुका है, अब हम इसे निकाल देंगे। देखिए, अब हम गुपचुप में भरने के लिए उसका मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही आलू को उबाल रखे थे और चने को हल्का सा अंकुरित करके उसको हल्का सा सेमी फ्राई कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से पक जाए और उसके खाने में उसका स्वाद बढ़े। ठीक है, इसमें देखिए हमने जलजीरा थोड़ा सा डाला है, फिर हरी मिर्च डाली है, बारीक कटा प्याज डाला है। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार कुछ भी डाल सकते हैं। फिर मसाला डालेंगे, देखिए अब हम जीरा पाउडर डालेंगे, आप अपने स्वाद अनुसार, आपको कितना तीखा पसंद है। हमने 1/2 टीस्पून लिया है। अब मिर्चा पाउडर लेंगे, ये भी 1/2 टीस्पून। अब हम आलू को मिक्सर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि ये खाने में भी अच्छा लगे और दिखे ठीक ठाक। फिर अब हम इसमें सादा नमक डालेंगे अपने स्वाद अनुसार। देखिए, हमारा ये भरावन के लिए चोखा तैयार है। अब इसमें हम थोड़ी सी इमली की पानी डालेंगे ताकि थोड़ा सा खट्टा सा पन आ सके इसमें, बस फिर इसे मैश कर देंगे। चलिए, अब हम गुपचुप की पानी तैयार करेंगे। उसके लिए हमने देखिए इतना पानी, 1 जग पानी लिया है, 1 जग से थोड़ा कम। उसमें इमली की पानी को डालेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें हम स्वाद अनुसार काला नमक डालेंगे, फिर लाल मिर्च पाउडर, आप ही जितना तीखा पसंद आप उतना डाल सकते हैं। अब इसमें हम जीरा पाउडर डालेंगे, ये 1/2 टीस्पून ले। थोड़े से इसमें जलजीरा भी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा सादा नमक भी डालेंगे। तैयार है, इसमें कुछ
हम हरी मिर्च काट कर डाले हैं, अब इसे हम खाने के लिए रेडी करते हैं। चलिए अब देखिए हमारा गुपचुप कैसा बना है। देखिए ये बिल्कुल कुरकुरा बना है, जैसे हम बाजारों में खाते हैं। देखिए ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका है खाने के लिए रेडी। चलिए थैंक यू दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें।